90s के आज के थ्रोबैक एपिसोड में आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू 1998, वो साल जब रिलीज हुई थी प्यार किया तो डरना था। और आखिर इस पिक्चर की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है इस पिक्चर में ना ऐसी बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड हुई थी, जैसे सलमान खान और काजोल एक दूसरे के ऑपोजिट पहली बार पेयर हुए थे। फिर पिक्चरें तो दोनों ने वैसे की थी, जैसे करण अर्जुन एंड कुछ कुछ होता है, लेकिन वो ओल्डली चुनरिया वाला रोमांटिक जोन ऑपोजिट ईच अदर फर्स्ट टाइम था। दूसरी चीज जो पहली बार हुई थी वॉज हिमेश रेशमिया। जी हाँ, ये पहली पिक्चर थी जिसमें उन्होंने साउंड ट्रैक बनाया था, और उनका वो गाना याद है आपको, तुम पर हम हैं अटके यारा, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। उस गाने पे तो यार आज की डेट में भी ठुमके मारने में इतना मजा आता है। इट इज सच एन एवरग्रीन सॉन्ग। एंड देन म्यूजिक की बात अगर हो ही रही है तो ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें एक मेल आइटम नंबर भी था और एक फीमेल आइटम नंबर भी। फीमेल आइटम नंबर वॉज ऑफ कोर्स तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। एंड द मेल आइटम नंबर, ओ माय गॉड, ओ ओ जाने जाना, ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सलमान खान शर्टलेस। वेल, इस गाने के बारे में भी एक ट्रिविया में आपको कुछ टाइम में बताऊंगी, लेकिन वन मोर थिंग दैट हैपेंड द फर्स्ट टाइम इन दिस मूवी वॉज द थ्री भाईजान सलमान, सोहेल एंड अरबाज, दे केम टुगेदर फॉर अ मूवी। वैसे तो ऐसा था कि जो बड़े भैया का रोल है ना वो पहले संजय दत्त करने वाले थे, बट देन दे ऑल थॉट कि उनकी जगह अगर यू नो तीनों खान सी उस पिक्चर में आते हैं तो वो जो ब्रदरहुड वाला फैक्टर है वो उस पर कैश इन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट इसका यही था कि पिक्चर बहुत बड़ी हिट भी हुई थी। नाउ दिस मूवी आप सब जानते ही हैं, दिस सॉन्ग इन फैक्ट स्टार्टेड द शर्टलेस ट्रेंड इन बॉलीवुड, सलमान खान विद हिज गिटार सिंगिंग दैट अमेजिंग सॉन्ग। पर क्या ये प्लान्ड था? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इस गाने के शूट के दिन जब सलमान खान पहुंचे ना तो उनको एक लाल शर्ट पहननी थी और ड्रेस दादा उनकी शर्ट लेके आए, लेकिन फिटिंग का कुछ इशू था तो उनकी शर्ट ऑल्टर हो रही थी और अपने सलमान भाईजान ऐसे चिल कर रहे थे शर्टलेस जीन्स पहन के। और उनको अरबाज और सोहेल ने देखा और उन्होंने कहा, भाई तो ऐसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही शूट कर ले। तो सलमान ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही शूट कर लेता हूँ। और ऐसे ही ये गाना शूट हो गया और उसने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया बॉलीवुड में जो आज तक कायम है। इनफैक्ट ऑल द लीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स एस्पायर टू बी सो फिट कि वो सलमान की तरह शर्टलेस एक गाना शूट कर सके। सो दैट्स व्हाट प्यार किया तो डरना क्या डिड टू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस। आई लव यू। आपको इसके बारे में क्या लगता है? वेल, द कमेंट सेक्शन इज राइट हियर।